पलायन की बात हवाबाजी भी नहीं है, ये सत्य है। रतलाम के ग्रामीणों ने अपने घर के बाहर लिख दिया है कि हम मुस्लिम समाज और प्रशासन से पीड़ित होकर पलायन कर रहे हैं। कई हिंदुओं ने मकान पर लिख दिया है कि ये मकान बिकाऊ है। रतलाम का सुराना गांव, गांव की जनसंख्या 2200 है, 40% हिंदू हैं और 60% मुस्लिम आबादी। गांव में पिछले 3 वर्षों से सब कुछ ठीक नहीं है। ग्रामीणों के अनुसार पिछले 3 वर्षों से, ये 3 वर्ष याद रखिए, इसका कारण मैं आगे बताऊंगा। तो ग्रामीणों के अनुसार पिछले 3 वर्षों से मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं के साथ अभद्रता, मारपीट, झूठे पुलिस केस और वे बाकी सभी हरकतें जो हमने सुन रखी है कट्टरपंथ के नाम से, वे सब हिंदू ग्रामीणों के साथ की जा रही है। परेशान होकर हिंदू ग्रामीण नेताओं से, सत्ताधीश दल के पदाधिकारियों से, प्रशासन से मिलकर बार बार इस समस्या से उनको अवगत करा रहे हैं, समाधान मांग रहे हैं। हाल ही में वे मध्य प्रदेश के सत्ताधीश दल यानी भाजपा के जिला अध्यक्ष और विधायक के पास गए। उन लोगों ने SP से मिलने को कहा तो हिंदुओं के कुछ प्रतिनिधि उनसे मिलने गए, लेकिन SP साहब ने तो हिंदुओं को ही लताड़ दिया। कहने लगे तुम ही का मतलब हिंदू ही झगड़े करते हैं, और अब ज्यादा किया ना तो रासुका लगा दूंगा, मकान तोड़वा दूंगा। खैर बेचारे हिंदू अब क्या करें, एक ही मार्ग है, वही मार्ग जो कश्मीर के हिंदुओं ने अपनाया, पलायन का। अपना घर, गांव, ग्राम देवता और गौरवशाली इतिहास जिस भूमि से जुड़ा, उस भूमि से पलायन का, बस इसीलिए कि अपना और अपनी भावी पीढ़ी का जीवन सुरक्षित कर सके। तो फिर प्रशासन से निवेदन किया, साहब चलो आप हमारा जीवन तो सुरक्षित नहीं कर सकते, तो कम से कम पट्टे पर रतलाम में कहीं कुछ भूमि ही आवंटित कर दो, तुम वहाँ रह सके। सुनिए गांव के इन बुजुर्ग को, जिनका दुख सुनकर आंखों में पानी आ जाता है। अभी 16 तारीख के दिन मुकेश को मारने के लिए घर पे आए, और हमने रिपोर्ट जब डालने गए तो साहब 151 मुकेश पे भी लात दी और सामने वाले पे भी 151 लगा दी। तो हम जैसे ही बोले साहब के कहाँ से, तो कोई सुराना से, तो कोई वहाँ पे तो दादागिरी तुम ही करता कर रहे हो, और भग जाओ यहाँ से, क्या है यहाँ पे, हाथ पग तोड़वा देंगे, ये मकान तुम्हारा तोड़वा देंगे। हमारा रेसा ही अगर कम है वहाँ पे ना, प्रशासन के भी अगर मदद नहीं मिले साहब, तो हमारा 40% घर है वहाँ पे, 60% मुस्लिम समाज के हैं, तो फिर हम तो गांव खाली करने के लिए मजबूर हैं, और हम कर रहे हैं साहब, क्या करेंगे, बाल बच्चे लेके बैठे हैं साहब, सब परिवार हम खेती किसानी वाले लोग हैं, हम झगड़ा करने वाले लोग तो है नहीं, और संख्या में भी कम है। 3 दिन में प्रशासन के पास में आए हैं कि यह जगह हमें रतलाम में कहीं पर भी पट्टे दे दे तो हम यहाँ रहने लग जाएँ, कम से कम स्वस्थ यहाँ पे तो हमारा जीवन तो सुरक्षित रहेगा। और ये पलायन की बात हवाबाजी भी नहीं है, ये सत्य है। रतलाम के ग्रामीणों ने अपने घर के बाहर लिख दिया है कि हम मुस्लिम समाज और प्रशासन से पीड़ित होकर पलायन कर रहे हैं। कई हिंदुओं ने मकान पर लिख दिया है कि ये मकान बिकाऊ है। आपने कश्मीर से हिंदुओं के पलायन के किस्से सुने होंगे, तो आपको पता होगा कि कश्मीर से हिंदुओं का पलायन जब हुआ, तब उनकी घर की दीवारों पर और हाल ही में पूर्वोत्तर के राज्यों से हिंदुओं के घर की दीवार पर भी यही सब लिखा हुआ था। अब बात फैल गई है, मीडिया रपटे चलने लगी है, तो प्रशासन संभालने में लगा हुआ है, बयानबाजियां शुरू हो गई है, प्रशासनिक अधिकारी गांव में जा रहे हैं, मीडिया को बता रहे हैं कि सब शांति है। तो ये वीडियो देख लीजिए, उसी सुराना गांव का है। आते आते हिला डाला ना, इलाका किसी का भी हो पर धमाका मियां भाई का ही होगा। ये वीडियो किसी मुस्लिम पर्व पर जुलूस निकल रहा है उसका है, जुलूस में हथियार लहर रहे हैं स्पष्ट दिख रहा है, लाउड स्पीकर पर जो बज रहा है वह अहिंसक तो कतई नहीं है। और जो मैंने कहा था कि क्यों पिछले 3 साल में ये घटना बड़ी है और क्यों अब वो घटनाएं पीक पर हैं, तो वे इसलिए क्योंकि कट्टरपंथी लोग 60-40 के फॉर्मूले पर काम करते हैं, जनसंख्या बढ़ाते हैं। जब इनकी जनसंख्या बराबर यानी 50% होने लगती है तो हरकत करना शुरू करते हैं, और 60% होते होते क्या करते हैं, 60% होने पर क्या करते हैं, उसका उदाहरण रतलाम का ये गांव हमारी आंखों के सामने है। सत्ताधीशों और प्रशासन का खूब खूब धन्यवाद, हमें ऐसे उदाहरण के लिए पहले कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों तक जाना पड़ता था, उनके उदाहरण देने पड़ते थे, लेकिन अब इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। धन्यवाद।